Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 और चैप्टर 15 के. ये दोनों आपके इकोलॉजी के चैप्टर हैं 12th क्लास बायोलॉजी के. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. तो इसमें हमने पॉइंट्स पढ़े थे नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन और एथिकल. तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो सभी मेडिसिन, सभी चीजें हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं. ब्रॉड यूटिलिटेरियन में हमने वो सब बेनिफिट्स मिल पड़े थे जो हमें सर्विसेज, हमारी इकोसिस्टम, हमारा बायोस्फेयर, हमारी बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रही है. जैसे कि हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें पॉलिनेशन हो रहा है बाय द पॉलिनेटर्स. तो कुछ ऐसी चीजें हैं, बेनिफिट्स हैं जो हम नहीं भी चाहें तो जो हमारा नेचर है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है ये सभी बेनिफिट्स. अब थर्ड था एथिकल, कि हमारी भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है क्योंकि हम भी एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम एक वो अर्थ का पार्ट है, हमारी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है जो और भी फ्लोरा और फौना के साथ ये अर्थ को शेयर कर रहे हैं. तो हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करें. नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू वेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो हमने फोर इवल क्वार्टेट पढ़े थे कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके कारण क्या है. तो हमने देखा था हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इनवेजिव स्पीशीज और को इवोल्यूशन. तो इसमें से कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाइट बंगाल टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड इन स्पेशल सेटिंग्स इन जूलॉजिकल पार्क्स. टाइगर रिजर्व्स आर मेंटेन इन वेस्टर्न घाट्स. हाउ डू दीज टू अप्रोचेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मेंशन द एडवांटेज ऑफ ईच वन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक. तो आपको ये डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको टू अप्रोचेस पूछ लिए. आप देख सकते हो इन सीटू और एक्स सीटू का आपको एग्जाम्पल दिया है. तो इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, इनके एडवांटेज बताने हैं कि एक्स सीटू इन सीटू के क्या एडवांटेज है और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का क्या सिग्निफिकेंस है. हमने पढ़ा था क्रायो प्रिजर्वेशन में हम -190 डिग्री सेल्सियस में जो लिक्विड नाइट्रोजन में आपके सीड्स ये सब स्टोर करते हैं. जैसे कि हमने देखा सीड बैंक होते हैं, आपके स्पर्म बैंक होते हैं, पोलन बैंक होता है. तो इस तरह से जो आपकी क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है ये हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी फ्लोरा और फौना के जो गैमीट्स हैं उन्हें स्टोर कर सकें. देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क्स. व्हाट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस. एक्सप्लेन एनी अदर टू वेज व्हिच हेल्प दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन. तो मैंने आपको जब एक्स सी टू और इन सी टू कंजर्वेशन कराया था तो मैंने आपको बताया था जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वो आपके एक्स सी टू कंजर्वेशन में आते हैं क्योंकि एक्सटेंट हो गया है एनिमल इन वाइल्ड. क्योंकि एक्सटेंट के दो टर्म्स है, एक एक्सटेंट इन वाइल्ड और एक एक्सटेंट जो ऑर्गेनिज्म अब अर्थ पे उसका एक भी इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है. तो अगर ऐसा होता है कि एक्सटेंट इन वाइल्ड है इसका मतलब हमने वो ऑर्गेनिज्म को कैप्टिविटी में स्टोर करके रखा है, कैप्टिविटी में उसे कंजर्व किया जा रहा है. तो उनमें आपके जूलॉजिकल पार्क्स आते हैं, हर्बेरियम्स हो गए, ये सब जगह जो है ये आपके एक्सीटू कंजर्वेशन में आती है जहाँ आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो नेचुरल से सिमिलर होगा और वहाँ ऑर्गेनिज्म को आप प्रोटेक्ट करते हैं. इसके अलावा आपके क्रायो प्रिजर्वेशन हो गए. तो ये सब चीज़ें आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. Why certain regions have been declared as biodiversity hotspots by environmentalists of the world? Name any two hotspot regions of India. तो biodiversity hotspots already वो areas होते हैं जो rich in species diversity हैं. वहाँ पे आपकी flora fauna diversity बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए हमने उन्हें biodiversity hotspots का नाम मतलब declare कर दिया है. अब ऐसे region जो India में हैं, हमने पढ़ा था आपका Himalayan region हो गया, Indo-Burma region हो गए, तो ये आपको यहाँ इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में मेंशन करने हैं. बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी कंजर्व एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड. ऑब्वियसली हमने पढ़ा है इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है. एक्सप्लेन एनी टू सर्विसेज ऑफ दिस इकोसिस्टम. और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज इकोसिस्टम सर्विसेज. तो इकोसिस्टम सर्विसेज वो सभी इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है. क्योंकि हम आप खुद भी देखो सारी चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट हैं हमारे नेचर पे, हमारे
फॉरेस्ट एरिया पे और हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि हम भी एक फूड चेन का पार्ट है, हम भी एक लेवल जो ट्रॉपिक लेवल है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज में आप एक्सप्लेन करेंगे ऑल द इंटेंजिबल बेनिफिट्स लाइक वी डिराइव फ्रॉम नेचर, जैसे कि एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, और वेकिंग अप टू द बर्ड सॉन्ग इन द मॉर्निंग। फिर अमेजन फॉरेस्ट से जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अमेजन फॉरेस्ट, इसलिए हम उसे लंग ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज राइट द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैंग्रोव, गिव अनदर एग्जाम्पल फॉलिंग इन द सेम लेवल। तो आपका मैंग्रोव क्या बता रहा है? आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हम यहाँ पे जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स पढ़े थे, जेनेटिक स्पीशीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर आते हैं मैंग्रोव। और आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट हो गए, वेटलैंड्स हो गए, कोरल रीफ, ये सब आपके और एग्जांपल्स हैं। व्हाई इज ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट एबल टू सपोर्ट ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी? तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हमने आपको 15 चैप्टर में जब वीडियो डिस्कस की थी, हमने आपको बताया भी था कि जो आपके ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो कांस्टेंट है, वो एनवायरनमेंट जो है वो चेंजिंग नहीं है ज़्यादा। इसकी वजह से वहाँ पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के ज़्यादा, जैसे हमने इक्वेटर और पोल्स को कंपेयर किया था, तो हमने देखा था कि इकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो आपके ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं दे हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आपका ये रीजन हो गया। फिर उसके अलावा लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, और वहाँ पे जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है हायर प्रोडक्टिविटी बिकॉज देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज इकॉर्निया क्रेसिपस इज एन एलियन हाइड्रोफाइट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मेंशन द प्रॉब्लम पोज्ड बाय दिस प्लांट। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क्स। व्हाट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस? एक्सप्लेन एनी अदर टू वेज व्हिच हेल्प दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन। तो आप देख सकते हो बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, बस आपको नाम चेंज कर दिया। पीछे आपको व्हाइट बंगाल टाइगर का पूछा गया था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो जनरल एग्जांपल दे दिया कि जो एनिमल्स एक्सटेंट हो जाते हैं वाइल्ड में उन्हें जूलॉजिकल पार्क्स में मेंटेन किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। तो ये कौन सी बायोडाइवर्सिटी है? तो सबसे पहले इकॉर्निया क्रेसिपस, जो वाटर हायसिंथ हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, तो क्योंकि ये क्या करता है, सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है फ्रॉम द वाटर, तो आपके जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे आपको एक्सीटू कंजर्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है और इनसीटू कंजर्वेशन के बारे में। स्टेट द यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ आप लिखेंगे कि ह्यूमन ऑब्टेन फूड फाइबर्स, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स, जैसे कि और आपका हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक्सप्लोरिंग जो हमने पढ़ा था, बायो प्रोस्पेक्टिंग, फिर वाइल्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर यूज फॉर ब्रीडिंग टू ऑब्टेन डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो इस तरह के जो आपके यूजेस हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे गेमिट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, या ऐसी स्पीशीज जो कि एक्सटेंट होने वाली हैं या एक्सटेंट हो सकती हैं, दोज गेमिट्स कैन बी प्रिजर्व इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में हमने वीडियोज में भी डिस्कस किया है। अगर अगर आपको इन क्वेश्चन में जो टॉपिक रिलेटेड, कंसेप्ट रिलेटेड डाउट्स आते हैं, तो आप प्ले लिस्ट से जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो कि एक्चुअली आंसर लिखना क्या है, बिकॉज ये तो एक रिविजन है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर डूइंग द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। व्हाई इज ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट एबल टू सपोर्ट ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ये मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट इज लिस्ट 4 causes ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसमें हमें वही 4 evil quartets जो हमने पढ़े थे, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, को इवोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये हमें यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चैप्टर 13 से इकोलॉजी के, हाउ डज मोनार्क बटरफ्लाई डिफेंड इट सेल्फ फ्रॉम द प्रिडेटर्स। तो मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने क्या किया है,
लार्वल स्टेज से ही टॉक्सिन डेवलप कर लिया अपने अंदर। इसके अलावा जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो खुद ही इतनी डिस्टेस्टफुल होती है कि प्रेडेटर्स इसे खाना ही नहीं पसंद करते। नेक्स्ट इज व्हाई डू क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन पेयर अप, व्हाट इज दिस रिलेशनशिप कॉल्ड? तो आपके क्लाउन फिश और सी एनीमोन, ये कैसा रिलेशनशिप है आपका? कमेंसलिज्म। यहाँ पे आपका सिंबल क्या था? सी एनीमोन का न्यूट्रल है आपका, कोई भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बेनिफिट यहाँ पे क्लाउन फिश को हो रहा है यहाँ फायदा, तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कमेंसलिज्म आपका रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टू डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व्ड इन प्रेज टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रिडेटर। तो प्रे पॉपुलेशन में हमने प्लांट के केस में और एनिमल के केस में दो डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़े थे, क्योंकि प्रे भी तो अपने आप को इवॉल्व करेंगे ना अगर उनका प्रिडेटर इतना शार्प है। तो प्रेज के केस में हमने प्लांट में देखा था वो कैक्टस अकेशिया का, कि वो थॉर्न्स डेवलप कर लिए। फिर एक हमने कैलोट्रोपस वो प्लांट का देखा था जिसने उसने कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो केमिकल डेवलप किया जिससे कोई हर्बीवोर उन्हें खाए ना। फिर मोनार्क बटरफ्लाई एनिमल के केस में आपका ये एग्जांपल हो गया, कैमोफ्लाज हो गया। तो ये सब क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म हो गए अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। एक्सप्लेन बर्थ रेट इन अ पॉपुलेशन बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंदर हमने बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो, ये तीनों चीजें पढ़ी थी। इसमें से आप बर्थ रेट को एक्सप्लेन करेंगे और कोई और दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे विच ओनली अ पॉपुलेशन शोज बट अ इंडिविजुअल कैन नॉट। तो ऑब्वियसली ये तीनों आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, क्योंकि पॉपुलेशन ही ये सभी बर्थ रेट्स और ये सब डेथ रेट्स ही पॉपुलेशन शो करती है, एक इंडिविजुअल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बायोस्फीयर इमेंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इन टू लेवल्स। तो आपकी जो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इसमें हमने तीन चीजें देखी थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कोई भी दो को आप एक्सप्लेन करेंगे। With the help of an example, explain how alien species invasion cause biodiversity loss. तो ये हमने अभी भी देखा था, loss of biodiversity में जो four evil quoted है उसमें से एक आपका alien species invasion है। तो इसमें आप इकॉर्निया प्रेसिपस का लिख सकते हैं, फिर आपकी वो सिक्लिड फिशेज जो हो गई थी एक्सटेंट, जो अफ्रीकन एक कैटफिश इंट्रोड्यूस करी थी उसकी वजह से। तो एलियन स्पीशीज के आ जाने की वजह से जो नेटिव स्पीशीज है उनका क्या हाल हो जाता है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। Justify with the help of an example where a deliberate attempt by human has led to extinction of a particular species. तो यहाँ over exploitation के केस में पूछा गया, जैसे हमने देखा था वो डोडो बर्ड का। तो जब ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे अपने रिसोर्सेस को तो इसकी वजह से जो स्पीशीज हैं वो एक्सटेंट हो जाती हैं। तो यहाँ उसका एग्जांपल लिखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे जाते हैं, आंसर वही होते हैं। आपके आंसर्स आपने जो एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उसी में से हैं। बस क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, इनडायरेक्टली भी आ सकता है, बट आंसर्स वही हैं। आपको क्वेश्चन का फॉर्म चेंज किया है हर साल बोर्ड्स में। नेम वन प्लांट एंड वन एनिमल एलियन स्पीशीज इन्वेजन दैट आर अ थ्रेट टू आर इंडियन नेटिव स्पीशीज। तो पार्थेनियम का लिख सकते हैं, इकॉर्निया क्रेसिपस, फिर आपका कैटफिश का हो गया। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। Amazon rainforest is referred to as lung of the planet. Mention any one human activity which caused loss of biodiversity in this region. तो मैंने जब आपको causes of biodiversity बताया था उसमें habitat fragmentation में हमने पढ़ा था कि जो Amazon forest है उसे हम lung of the planet कहते हैं, but वहाँ पे सोयाबीन cultivation हो रहा है, agricultural land बनने की वजह से Amazon forest को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी जो flora और fauna है वो extinct हो रहे हैं, वो vulnerable situation में enter कर रहे हैं। Why is tropical environment able to support greater diversity? तो अब देखो, अब यहाँ comparison नहीं, यहाँ direct आपको पूछ लिया गया, या फिर कई बार पूछ लेते हैं कि ecologist क्या believe करते हैं कि क्यों tropical environment में ज़्यादा biodiversity है। तो हम वो reasons लिखेंगे कि क्या है, वहाँ ज़्यादा solar energy है और ये सब चीज़ें। Give an example of an organism that enters diapause and why? तो डाइपॉज में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था आपका जू प्लैंक्टन का, और डाइपॉज अब वाई पूछ रहे हैं क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है एनवायरमेंट में जब भी हार्श कंडीशन आती हैं तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डाइपॉज में एंटर कर जाता है। जैसे हमने सस्पेंड पढ़ा था, डॉर्मेंसी, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, तो ये सब उसी की तरह है जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। मेंशन हाउ डू बियर एस्केप फ्रॉम स्ट्रेसफुल टाइम।
टाइम इन विंटर, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन रिलेटेड है, यहाँ आपको हाइबरनेशन लिखना है। तो विंटर से पहले जो पोलर बियर्स होते हैं या नॉर्मली जो बियर होते हैं, आपके हिमालयन बियर्स हो गए, एशियाटिक बियर्स हो गए, ये बहुत ज्यादा अपना खाना खा के फैट जमा करते हैं ताकि जब वो हाइबरनेशन पे जाएं तो वो फैट मेटाबोलाइज होके उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करे। राइट द बेसिस ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेस इन इट्स कम्युनिटी एंड नेचुरल सराउंडिंग। तो यहाँ आप लिखेंगे कि एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इंडिविजुअल और स्पीशीज लेवल इन इट्स कम्युनिटी। तो आपका जो ऑर्गेनिजम्स का लेवल है या फिर वो इकोलॉजिकल हायरार्की को बिलोंग करता है, इंडिविजुअल हो गया, पॉपुलेशन हो गई, आपकी बायोटिक कम्युनिटी हो गई। तो जिस तरह से एक इकोसिस्टम में पूरे हायरार्कियल लेवल्स हैं, तो आपका ऑर्गेनिज्म भी उस स्पीशीज लेवल कम्युनिटी को बिलोंग करता है। व्हाई आर सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज यूरीथर्मल एंड सम अदर एज स्टीनोहिलाइन। तो यूरीथर्मल आपके कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और आपके स्टेनोहिलाइन कैसे हैं जो टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी इन वाटर। तो आपको दो डिफरेंट चीजें पूछी गई हैं, ये टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में, ये सेलिनिटी के कंटेक्स्ट में। तो आपकी इसके ऑपोजिट भी डिफाइंस है, यूरीथर्मल है, स्टेनोथर्मल है, स्टेनोहिलाइन वैसे ही यूरीहिलाइन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है स्टेट गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि टू कॉम्पिटिटिव स्पीशीज फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इफ ऑल अदर इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो हमने देखा था सुपीरियर और इंफीरियर स्पीशीज का एग्जांपल भी बार्निकल के केस में, और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे वो एबिंगडॉन टॉर्टोइज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ ओवरब्राउजिंग ऑफ गोट्स। तो इसी से बचने के लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था आपका मैकआर्थर का रिसोर्स पार्टिशनिंग का केस, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इंट्रैक्शन कॉल्ड व्हेन एन ऑर्किड ग्रोज ऑन अ मैंगो प्लांट। तो ये आपका कमेंसलिज्म का है जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्किड जैसे जो प्लांट होते हैं जो दूसरे होस्ट प्लांट पे ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिफाइट। इन अ पॉन्ड देयर आर 20 हाइड्रिला प्लांट्स, थ्रू रिप्रोडक्शन 10 न्यू हाइड्रिला प्लांट्स आर एडेड इन अ ईयर, कैलकुलेट द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसे मैंने आपको दो क्वेश्चंस पहले भी कराए थे कि क्या होगा, तो नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल्स बॉर्न डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो 10 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 0.5 पर हाइड्रिला प्लांट पर ईयर। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि बर्थ रेट इज 0.5 पर हाइड्रिला प्लांट पर ईयर। ठीक है, व्हाई आर कैटल एंड गोट्स नॉट सीन ब्राउजिंग ऑन कैलोट्रोपस ग्रोइंग इन द फील्ड। अभी पहले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये जो प्लांट है कैलोट्रोपस ये प्रोड्यूस करता है एक पॉइजन दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। नेम द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन सीन बिटवीन वेल एंड बार्निकल ग्रोइंग ऑन द बैक। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस आपको एग्जांपल दिए गए हैं और नेम ऑफ इंटरैक्शन पूछा गया है। तो ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल है आपका। लिस्ट टू एडवांटेजेस दैट अ माइकोराइजियल एसोसिएशन प्रोवाइड टू द प्लांट। तो माइकोराइजा ये आपका म्यूचुअलिज्म टाइप का इंटरैक्शन हो गया। म्यूचुअलिज्म में यहाँ आपका माइकोराइजा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फास्फोरस प्रोवाइड करेगा प्लांट को, तो एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेगा। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा रूट बॉर्न पैथोजन से। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट एन एज पिरामिड विच रिफ्लेक्ट्स एन एक्सपैंडिंग ग्रोथ स्टेटस ऑफ वुमेन पॉपुलेशन। तो यहाँ मैंने आपको जब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कराए थे, फिर पॉपुलेशन के पिरामिड्स हमने पढ़े थे, तीन तरह के थे, स्टेबल था, एक्सपैंडिंग था और डिक्लाइनिंग। तो ये तीन पिरामिड में से आपको एक्सपैंडिंग बनाना है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज सबसे ज्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और उसके बारे में आप लिख लेंगे कि ये पिरामिड किस तरह से ट्रायंगुलर शेप है और ये तीन डिफरेंट एज ग्रुप्स को डिनोट कर रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल भी आपको पूछे जाते हैं डिफरेंस के केस में। दोनों ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने हैं, इनकी सारी जो भी लेबलिंग है फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे, उन फॉर्मूले में जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो क्या डिनोट करिए, के आपकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई, dN by dt ये सब चीजें क्या है, n पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है प्लीज वीडियो में से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों आपके पॉजिटिव सिंबल है, दोनों स्पीशीज को फायदा होता है, कमेंसलिज्म में एक जीरो है न्यूट्रल है मींस, और एक जीरो है और पॉजिटिव सिंबल है। तो यहाँ दोनों की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। प्लांट्स का सिर्फ एग्जाम्पल लेना है तो कमेंसलिज्म में अभी हमने देखा था क्वेश्चन ऑर्किड ग्रोज ऑन अ मैंगो प्लांट, तो ये
आपका हो गया कमेंसलिज्म का, म्यूचुअलिज्म में हमने देखा था प्लांट के केस में एग्जांपल, चाहे आप माइकोराइजा का लिख सकते हो, आप यहाँ वास्प और आपका ऑर्किड प्लांट का म्यूचुअलिज्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट इज राइबट पॉपर हाइपोथेसिस एंड नेम द साइंटिस्ट हु हैड गिवन दिस। तो राइबट पॉपर हाइपोथेसिस आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। राइबट पॉपर हाइपोथेसिस आप दिया था पॉल एनरिच ने। तो इन्होंने बताया था कि जिस तरह से एक प्लेन में सभी नट बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन्होंने कंपेयर किया कि प्लेन एक तरह से इकोसिस्टम जैसा है, जैसे इकोसिस्टम में सारे डिफरेंट स्पीशीज हैं, डाइवर्सिटी है, वैसे ही प्लेन में डिफरेंट आपके जो नट बोल्ट हैं, राइबट्स हैं। इन्होंने कहा अगर एक एक नट बोल्ट हम रिमूव करते गए, वैसे ही इकोसिस्टम से अगर एक एक स्पीशीज एक्सटेंट होती गई, तो एक टाइम आएगा कि आपका इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाएगा। सेम वैसे ही जैसे उन्होंने कंपेयर किया था कि जैसे प्लेन से अगर एक एक नट बोल्ट रिमूव करते जाए, तो एक टाइम आएगा जब जो प्लेन है वो वल्नरेबल कंडीशन में आ जाएगा और वो क्रैश हो सकता है। म्यूचुअलिज्म के हमने काफी एग्जाम्पल पढ़े हैं, आप माइकोराइजा एसोसिएशन हो गया आपका, लाइकेंस का हो गया, ओफायरस ऑर्किड का पढ़ा था और बीज का पढ़ा, तो कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे इकोलॉजी चैप्टर 13 और चैप्टर 15 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका जो चैप्टर 13 है जहाँ पॉपुलेशन इंटरैक्शन दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको उसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको पॉपुलेशन इंटरैक्शन का नेम दे देते हैं और उसकी डेफिनेशन प्लस उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो जितने भी पॉपुलेशन इंटरैक्शन है, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये बिल्कुल अच्छे से आप करके जाएं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो इस पे बहुत ही डिटेल में पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाई हैं, आप उसमें से देख सकते हो। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।